100 रुपया ले ला जी, हमने मुड़के दिए नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम महम ब्लॉक समिति ऑफिस के अंदर खड़े हुए हैं और ये मेरे पीछे जो मात्र शक्ति देख रहे हो बड़म्बा गांव से पाना खास पंचायत से, आप किस लिए मात्र शक्ति को आज यहाँ लेके आए हो? मात्र शक्ति है जी, मान ले अपना खुद का तुम्हारा कार्य करके खुद का तो पेट भरते हैं, बच्चों का भी और हमारे जैसे का भी मतलब पालन पोषण ये करते हैं, सारा काम इन्हीं से चलता है। ये मनरेगा के मजदूर हैं सारे हमारे। अच्छा, सारे के सारे मनरेगा के मजदूर हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इनका क्या था कि पिछले एक साल से इनको काम की समस्या चल रही थी, बार बार प्रशासन से भी गुहार लगाई है और कुछ इनका पेंडेंसी पिछले की भी थी जो इन्होंने कार्य किया था उसका, इनको जो इनकी लेबर थी दिहाड़ी थी वो नहीं मिली थी, उसके लिए भी बार बार ये अपील लगा रहे थे BDPO साहब को भी, SDM साहब को भी, DC साहब को भी और लोकपाल जो अपना रोहतक बैठते हैं इस मामले को देखते हैं उनके पास भी। तो एक तो जो इनकी वो दिहाड़ी नहीं मिली थी उसके लिए ये प्रयासरत हैं, दूसरा लगभग एक साल हो गया जो काम नहीं मिला, उसके लिए सरकार से मतलब आग्रह किया, निवेदन किया कि भाई जो इनको बेरोजगारी भत्ता है वो मैं भी कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से भी कि भाई जो एक साल ये बेरोजगार रह गए इनका क्या कसूर था, इनको कार्य नहीं मिला। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि गरीब आदमी है, इनको एक साल का जो इनका बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाए और जो आगे के लिए काम की प्रक्रिया थी उसके लिए आज हम यहाँ पर आए थे, उसका ज्ञापन हमने चेयरमैन साहब को भी और अपने BDPO साहब को भी सौंपा है और उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया है, हम उनके धन्यवादी हैं कि इनका काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए तो सरपंच साहब आप शायद पहले भी मांग उठा चुके हो और ये बेचारी महिलाएं भी लगातार जो है प्रयासरत है लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं, अब जो आश्वासन मिला लगता है हो जाएगा? नहीं, पूर्ण उम्मीद है जी और उम्मीदें दुनिया कायम है। बाकी जो आज देखो BDPO साहब ने भी कहा है, हम चेयरमैन साहब की बहुत धन्यवादी हैं, उन्होंने अपने BPO नए आए हैं उनको भी आके उन्होंने भी इनकी समस्या को समझ के और ये कहा कि इनका कार्य आप जल्द से जल्द शुरू करवाओ। साल भर तक किसी घर के अंदर रोजगार ना हो तो कैसे उसका काम चलता होगा? देखो जी, इस तरह तो कठिनाई की बात भी नहीं हो सकती, लेकिन मजबूरी भी है, कर भी क्या सकते थे, बार बार प्रशासन को गुहार भी लगाई है, बार बार लिख के भी दिया है, लेकिन किन कारणवशों से मान लें इनको कार्य नहीं मिल पाया, इसमें तो आपके सामने खड़े हैं, प्रस्ताव भी कर रखे हैं, हमने डिमांड भी करी है, चलो पीछा जो भी हो गया लेकिन अब भी ये कह रहे हैं भाई इनका जो एक साल इनका जो वेस्ट गया इस मामले में, इन्हें बहुत तकलीफा सामना कराया है, तो सरकार से अनुरोध है कि इनका एक साल का बेरोजगारी भत्ता वो दिया जाए और आगे के लिए इनको पूर्ण रूप से कार्य दिया जाए ताकि अपना काम बजा सके। सरपंच साहब, आप शायद खुल के ना बोलो लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर तो प्रशासन का ही रहा ना? देखो, इसमें कई कारण हो सकते हैं इस मामले में और मैं अब ये कोई भी बात कहूँगा तो वही राजनीति की सू बन जाएगा, उसको ना ये करें तो ठीक है, हम तो ये हैं मजदूरों के लिए कार्य के लिए आ रहे हैं, हमने कार्य मिल जाए, जो पीछे ही हैं मतलब जो कठिनाई के दिन काटे हैं उनका इनका वो जो मुआवजा वो मिल जाए और इस्ते फालतू तो हमने कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, कितने दिन हो गए काम ना मिले हुए? हमने एक साल हो गई जी। तो सरपंच साहब सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं जी, सही बोल रहे हैं सर। एक साल से आपको मजदूरी दिहाड़ी काम कुछ नहीं मिला, कैसे घर का गुजारा कैसे करा जी? आज दिहाड़ी भूखे रहे हैं, तेरा वर्गा की किसे की झाड़ू गेर दी, गोबर गेर दिया तो टूक लिया के दे दिया, लस्सी पानी बाड़कते और कुछ नहीं। तो आज आप लोग मिले सरपंच साहब के साथ यहाँ अफसरों से? सरपंच साहब तो मिल के जब आए यहाँ अफसरों से, आप लोग भी मिले? सरपंच साहब मिले, मेट साहब मिले हमारे। क्या आश्वासन मिला? काम देने की मंजूर आस हो गया हमने जी। अच्छा, हाँ मिल, तो आज मिले है तो उम्मीद है कि हाँ उम्मीद है जी, उम्मीद हाँ मिल जाएगा। हाँ। तो साल भर तक आंटी जी कैसे चलाया, इतने दिन गुजारा चला है अपना करके? और अच्छा, पूरा प्रशासन देख रहा क्या क्या कहना चाहते हो? झाड़ू पोछा कर जी, मेरे ये उधारा सुधारा लेके आप सब पे देंगे जी, आज देंगे तड़का देंगे जी, के करा जी ये काम मिला का जब तेरा भर के तारांगे जी। किसे 100 रुपया ले ला जी, हमने मुड़के दिए नहीं जानते, इतनी गरीबी हमारा, आधी तो हम भी दुआ हाँ, तो हमने काम नहीं मिला बच्चन के खुआवा है, और हमने एक साल तो एक दो महीना ऊपर हो गया काम नहीं मिला है, जो कुछ काम है खेता में है वो बिहारी कर दे हैं, हमने कौन पूछा है, तो ये सरकार न करना चाहिए। एक दो दिन मिल गया तो वो के बात होगी उसमें, एक दो दिन गए थे जी वो दिहाड़ी नहीं मिली है, उधारे ले ले इतने सिर चढ़ा रखे हमने तो बहुत गणे।
तो दोस्तों इन मातृ शक्ति की आवाज आप लोग भी बने, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और प्रशासन से उम्मीद है कि जो आस आप लोगों के पास ये लेके आए उनकी सुनवाई करें और जल्द से जल्द इनकी जो मांगे है वो पूरी हो।